दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वो भी कोई नॉर्मल नहीं, फेमस यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यानी बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं। और बड़े यूट्यूबर जो भी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो कॉमेडी में हो, रोस्टिंग में हो, गेमिंग में हो, चाहे वो ब्लॉग में हो या फिर अपना जो भी वीडियो बनाते हैं, हर एक वीडियो में जो भी बड़े यूट्यूबर हैं वो इस समय लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीने YouTube से वो अर्न कर रहे हैं। और सभी का सपना होता है, जो भी YouTube पर आता है यूट्यूबर बनने, उसका सपना यही होता है कि मुझे भी अपने कैटेगरी में, चाहे मैं जो भी टाइप का वीडियो बना रहा हूं, उसमें बड़ा यूट्यूबर बनना है। तो बड़े यूट्यूबर बनने के लिए आपने हमेशा सुना होगा कि यूनिक कॉन्टेंट देना होगा, कुछ यूनिक करना होगा, यूनिक वीडियो बनाओ तभी बड़े यूट्यूबर बनोगे, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। लेकिन उसके अलावा भी बिना यूनिक कॉन्टेंट बनाए भी आप कॉपी करके भी बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं, जो कि पूरा मैं आज आपको केस एनालिसिस बताऊंगा, यानी कि आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। जो आपने थंबनेल पर फोटो देखा, मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड, जो कि दो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जो कि करोड़ों नहीं उससे भी ज्यादा अर्न हर महीने वो कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी करके, एक दूसरे की कॉपी करके, और कुछ यूनिक नहीं, सिर्फ कॉपी करके। ऐसा नहीं है कि दोनों ने कुछ अलग अलग यूनिक किया है तब वो बड़े यूट्यूबर बने हैं। एक ने यूनिक किया लेकिन दूसरे ने कॉपी करके वो आज वो बड़ा यूट्यूबर बना है, लेकिन उसमें भी उसने कुछ दिमाग लगाया है। जो कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि मैं बड़ा यूट्यूबर बनूं जिस भी कैटेगरी में, चाहे वो रोस्टिंग में हो, कॉमेडी में हो, कुकिंग में हो, कोई भी कैटेगरी हो, उसमें अगर आप चाहते हैं बड़ा यूट्यूबर बनूं, तो अगर आपको यूनिक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो आज मैं आपको केस एनालिसिस समझाऊंगा मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड का, वही आप अगर सही से समझ लिए और उसी तरीके से कॉपी कर लिए, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे। और सारा मैं आपको प्रूफ के साथ, एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। तो अगर आप भी सीरियस हैं कि यार मुझे भी यूट्यूब पर आना है, यूट्यूबर बनना है, और कोई छोटा मोटा नहीं कि मैं यहां पर छोटा मोटा यूट्यूबर बन के रह जाऊं, बड़ा यूट्यूबर बनना है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा चीजें समझिएगा, क्योंकि प्रूफ के साथ, एग्जाम्पल के साथ मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड का मैं आपको समझाऊंगा। और ये जो मैं आपको प्रूफ दूंगा, जो एग्जाम्पल दूंगा, इसको आप किसी भी कैटेगरी में हैं, किसी भी कैटेगरी में आपको बड़ा यूट्यूबर बनना है, ये चीजें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। वीडियो बहुत ही यूनिक है, ऐसा वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पर नहीं बनाता हूं, लेकिन दिमाग में आया कि लाइए बनाकर आपको एनालिसिस समझाया जाए, जिससे आपके भी दिमाग में खुल जाए कि आखिर बड़ा यूट्यूबर बना कैसे जाता है, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से मेहनत करनी होती है, किस तरीके से दिमाग सेटअप करना होता है, वो सारा कुछ जब आज का वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो, बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ मैं आपको आज मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड का आपको एग्जाम्पल लेकर लाइव समझाता हूं कि दोनों बड़े यूट्यूबर आखिर कैसे बड़े बने सिर्फ कॉपी करके। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैं YouTube के अंदर आ चुका हूं और YouTube में मैं मिस्टर इंडियन हैकर के चैनल पर आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हैं इनके 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 3 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं सिर्फ 878 वीडियो डालने से। और इनका चैनल कब का है मैं आपको यहां अबाउट सेक्शन में अगर दिखा दूं तो अबाउट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं इनका चैनल है 2012 का, लेकिन 2012 से इन्होंने काम करना नहीं स्टार्ट किया था, इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था 2017 में ही। अब इनका भैया यहां पर 878 वीडियो डाला गया है, 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, और इनका जो वीडियो है आप लोग सभी जानते होंगे, इनका जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ किस टाइप का होता है, एक्सपेरिमेंट टाइप का वीडियो। कोई छोटा चीज करेंगे तो बहुत बड़े क्वांटिटी में करते हैं, और कुछ यूनिक करेंगे तो छोटा ही चीज रहेगा लेकिन उसे यूनिक तरीके से करते हैं। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इनका पूरा एक्सपेरिमेंट टाइप का वीडियो रहता है, और सेम डिक्टो सेम कॉपी वीडियो और कौन बनाते हैं, इन्हीं के कैटेगरी के दूसरे सबसे बड़े यूट्यूबर जिनका नाम है क्रेजी एक्स वाई जेड, जिसे आप जानते होंगे। आप देख सकते हैं इनके लगभग 26 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले, यानी लमसम बराबर में ही हैं, और इन्होंने 1100 वीडियो डाला हुआ है। और इनका चैनल कब का है, इनके अबाउट सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2017 का है, 2017 में उन्होंने भी स्टार्ट किया था और इन्होंने भी स्टार्ट किया था, लगभग एक साल का गैप है। एक साल पहले मिस्टर इंडियन हैकर पहले आ गए थे, इसके बाद क्रेजी एक्स वाई जेड आए। अब इन दोनों में क्या था वो समझने वाली बात है, इन दोनों का कंटेंट सेम था। मिस्टर इंडियन हैकर ने पहले स्टार्ट किया, क्रेजी एक्स वाई जेड ने बाद में स्टार्ट किया, एक साल बाद लगभग स्टार्ट किया, लेकिन कंटेंट दोनों का सेम था। उसके बावजूद भी ये दोनों अपने कैटेगरी में टॉप यूट्यूबर बने, यानी पहले पर वो तो दूसरे पर ये हैं, और दोनों में कॉम्पिटिशन रहता है, हो सकता है कि कभी ये आगे निकल जाए या फिर वो आगे, वो तो आगे है ही, ये भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि सेम कॉपी वाला कंटेंट, यानी अगर आप इनके एक्सपेरिमेंट वीडियो में जाकर देख लीजिए,
एकदम सेम लगेगा, सेम एकदम ऐसे कंटेंट जैसे वो बनाते हैं सेम ऐसे भी इनका भी कंटेंट रहता है, लेकिन सेम कंटेंट बनाकर एक ही कैटेगरी में कैसे दो बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप अभी जीरो पर हैं, आप मान के लिए कुकिंग बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ भी आपका चैनल है, आप सोचते हैं कि मुझे भी टॉप पर पहुंचना है, तो आप भी कॉपी करके टॉप पर पहुंच सकते हैं जैसे क्रेजी एक्स वाई जेड ने मिस्टर इंडियन हैकर की कॉपी करके टॉप पर पहुंचे हुए हैं। अब इन्होंने कॉपी क्या किया, ध्यान से समझिएगा, जो कंटेंट वो बनाते थे, जिस टाइप का एक्सपेरिमेंट वो करते थे उसी से रिलेटेड, लेकिन सेम कॉपी नहीं। अब इसका मतलब है कि ये नहीं कि मान के चलिए उन्होंने कुछ बर्फ का बड़ा सा बना दिया है तो ये भी बर्फ का बनाएंगे, उससे हटकर ये बनाते थे, मान चलिए उन्होंने बर्फ का घर बनाया है तो ये बर्फ की गाड़ी बना देंगे, यानी ये कॉपी करते थे लेकिन उसमें आइडिया अपना थोड़ा यूनिक कर देते थे, अपने आइडिया को थोड़ा यूनिक तरीके से कर देते थे, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी जिस तरीके का वीडियो वो बनाते थे ये कॉपी में भी उसी तरीके का वीडियो उसी तरीके का कॉपी करके ये बनाते थे। ऐसा नहीं है कि उनका 20 था इनका 19 था, सेम ऐसा ही एकदम सेम बनाते थे, सेम एनर्जी के साथ, जैसे वो एनर्जी के साथ बोलते हैं ये भी एनर्जी के साथ बोलते थे, न एनर्जी में कमी न वीडियो के जो भी वीडियो रिप्रेजेंट करना होता है ना उसमें कमी, और सेम जैसा क्वालिटी वो देते थे ये भी वही सेम क्वालिटी देते थे, जिस वजह से आज इनका चैनल इस मुकाम पर पहुंचा है। और एक चीज बता दूं, जो वो थोड़ा बहुत कमी करते थे मिस्टर इंडियन हैकर, उस कमी को भी इन्होंने सुधारा अपने चैनल पर, जिससे ये आगे बढ़ते चले गए। अब कमी क्या करते थे मिस्टर इंडियन हैकर का, जैसे बीच में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हेल्थ का थोड़ा इशू हो जाता था, जिस वजह से उनका वीडियो रेगुलर नहीं आता था, लेकिन ये रेगुलर वीडियो अपलोड करते थे अपने चैनल पर, बिल्कुल रेगुलर है क्रेजी एक्स वाई जेड, जिसका कि रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं इन्होंने 1100 वीडियो डाला है और उन्होंने सिर्फ 878, तो यहां पर जो इन्होंने रेगुलरिटी मेंटेन की इस वजह से भी इनका चैनल बहुत आगे बढ़ा। तो अगर आपको बड़ा यूट्यूबर बनना है अपने कैटेगरी में क्या करना है, आप अगर उनको कॉपी कर रहे हैं तो ऐसे कॉपी करिए कि आपके कॉन्टेंट में और उनके कॉन्टेंट में थोड़ा भी 1% का फर्क ना हो। फर्क का मतलब है कि क्वालिटी में, बोलने के तरीके में, वीडियो रिप्रेजेंट करने में कोई भी फर्क ना हो, लेकिन जहां पर बात आती है कि भैया सेम कंटेंट बनाना है तो सेम कंटेंट नहीं बनाना है, वो जो कंटेंट बनाते हैं उनका कॉपी करिए लेकिन चीजें थोड़ा अलग कर दीजिए। मान के चलिए इन्होंने बर्फ का घर बनाया तो वो बर्फ की गाड़ी बना देंगे, इन्होंने मान के चलिए पटाखे जलाए, मान चलिए 1000 पटाखे जला दिए तो ये 1000 रॉकेट जला देते हैं, तो आप भले इनको कॉपी करिए लेकिन आपका कॉन्टेंट में जो मटेरियल है वो अलग होना चाहिए। उसी तरीके से आप बड़ा यूट्यूबर अगर बनना चाहते हैं, चाहे आप ब्लॉगिंग में चाहे कुकिंग में, कुछ भी जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो आपके कैटेगरी में बड़े यूट्यूबर हैं, उनको कॉपी करिए लेकिन उनका कंटेंट सेम मत उठाइए, उसके मटेरियल में चेंज कर दीजिए और जो क्वालिटी देते हैं वो सेम दीजिए, क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ये आपको करना है। और जो उनकी कमियां है, कि मान चलिए कमियां उनकी क्या है कि वो हफ्ते में एक ही दिन वीडियो लाते हैं, उसके अलावा वो लाते ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका फायदा उठाना है। फायदा क्या उठाना है कि आपको हफ्ते में 2 वीडियो लाना है, हफ्ते में 3 वीडियो लाना है, ये आपको एडवांटेज देगा, इसका फायदा आपको मिलेगा, जो कि यहां पर क्रेजी एक्स वाई जेड को भी मिला है। इन्होंने 1100 वीडियो डाल दिया है और उनके सिर्फ 878 है, जिस वजह से इन्होंने 26 मिलियन सब्सक्राइबर गेन भी कर लिए हैं, हो सकता है ये आगे भी निकल जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेगुलर है, कितनी भी इनकी प्रॉब्लम होती है रेगुलर बहुत ज्यादा रहते हैं, और वहां पर मिस्टर इंडियन हैकर जो है वो भी रेगुलर रहते हैं लेकिन उनको थोड़ा हेल्थ इशू है। तो आपको अपने बड़े यूट्यूबर की थोड़ी कमियां भी देखनी है कि उनकी क्या कमियां है, उस कमियों को अपने चैनल पर फुलफिल करना है, और अगर आप कंटेंट देखेंगे तो कंटेंट सेम कॉपी करना है, बस आपको मटेरियल अंदर का बदल देना है। अगर ये चीजें करेंगे तो आपको बड़ा यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमेशा यूनिक कंटेंट बनाइए तभी आप बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आप यूनिक बनाएंगे तो ठीक है, वो भी बेस्ट है, यूनिक बनाएंगे तो हाँ आप तब पर भी बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनिक नहीं बना सकते, क्योंकि यूनिक कोई इतना ज्यादा नहीं सोच पाता है कि हमेशा उसी पर कॉन्टेंट देता रहे और देता ही चला जाए, तो अगर आप यूनिक नहीं बनाते हैं तो आप बड़े यूट्यूबर को ऐसे कॉपी करिए कि कंटेंट सेम हो, मटेरियल अलग हो, लेकिन उनका जो क्वालिटी है आपके क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, उनकी जो कमियां है उसको भी आप अपने वीडियो के अंदर फुलफिल कीजिए, फिर देखिए आप कहां तक पहुंचते हैं। और अगर आपको कमियां जाननी है तो जो भी बड़े यूट्यूबर है जिनका भी वीडियो आता है किसी भी कैटेगरी में, उनके जाकर कॉमेंट्स बॉक्स में देखिएगा, मान के चलिए 100 में 80 कमेंट तो स्पैम ही होते हैं, उल्टा सीधा वाले कमेंट होते हैं, लेकिन 20 कमेंट जेन्युइन होते हैं जो उनकी कमियां बताते हैं कि सर ये आपके हर वीडियो में कमी रहती है, ये सही नहीं होता है, ये चीजें गलत है आपके वीडियो में, इसको सुधारिए, ऐसे करिए। तो बड़ा यूट्यूबर उतना कमेंट पढ़कर समझ नहीं पाता है, लेकिन अगर आपको उस लेवल पर पहुंचना है तो आपके उनके कमेंट पढ़ने हैं और उन कमियों को नोट करना है और उसे अपने वीडियो में नहीं करना है। भले ही आप उनको कॉपी कर रहे हैं लेकिन उन कमियों को सुधार कर अगर आप वो कंटेंट लाएंगे तो आप उनसे बेस्ट हो जाएंगे। और जिसका एग्जांपल सबसे बड़ा है यही चैनल मिस्टर इंडियन हैकर को बीट करके क्रेजी एक्स वाई जेड आगे निकला, किस वजह से, कॉपी किया लेकिन मटेरियल चेंज किया और जो कमियां थी उस कमियों को भी दूर करके इन्होंने अपने तरफ से प्लस पॉइंट सारा कुछ ऐड किया।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको टॉप यूट्यूबर बनना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में है, तो आपको किस तरीके से काम करना होता है, किस तरीके से अपना माइंडसेट रखना होता है। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ यूनिक सिखाने के लिए, कुछ अलग सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। देखता हूं कितना आपको पसंद आता है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना है, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।